ठीक है, कैसे हो आप सब। तो वापस से हम लोग आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। इससे पहले बीजेएमआई लवर्स, आप अपना कमेंट सेक्शन में जाके गाली लिखो। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये बीजेएमआई नहीं है, पबजी मोबाइल है। और हम लोग पबजी मोबाइल जापान में जो एनिवर्सरी चल रहा है उसका रिव्यू करने वाले, क्योंकि उसी तरह का आपको बीजेएमआई के अंदर भी एनिवर्सरी देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको वो चीज़ के बारे में जानना है, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग न्यू चीज़ देखना है, तो डेफिनेटली वीडियो को आगे देखते रहिए, नहीं तो ये वीडियो को आप बंद कर सकते हो। आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। खैर, जो जो बंदे इधर है तो लिटरली बहुत महीनों या एक साल के बाद मैं ये अकाउंट को खोल रहा हूँ पबजी मोबाइल के। यार इसमें भी बहुत सारा चीज़ मुझे मिल चुका था, आपको पता ही होगा। जब हम लोग इंडिया में पबजी मोबाइल बैन था तो हम लोग केआर ही खेलते थे, और इसमें बहुत अच्छा अच्छा रिवॉर्ड है। तो जब 2.0 का अपडेट आया तो मैं आपको बोला था कि इस बार दो रीजन में एनिवर्सरी होने वाला है। सबसे पहले जापान रीजन में आपको एनिवर्सरी देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ बीजेएमआई के अंदर मतलब इंडियन रीजन में भी एनिवर्सरी देखने को मिलेगा। तो जापान रीजन का एनिवर्सरी स्टार्ट हो चुका है, तो हम लोग थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते किस तरह के ये लोग प्रिपरेशन किए हैं, और उसी तरह का प्रिपरेशन आपको बीजेएमआई के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो ये मेरा केआर वाला अकाउंट है, जापान वाला आईडी में स्विफ्ट होते हैं उसके बाद में मिलता हूँ। ओके, जैसे कि आप देखो जापान वाला हम लोग के पास अकाउंट आ चुका है, और चलो एक एक करके सब कुछ एक्सप्लोर करने वाले। सबसे पहले हम लोग इसमें क्लिक करेंगे इवेंट में, और इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ मेरे को स्टार्टिंग में ये देखने को मिला, इसमें आप देख पा रहे कोर सर्कल प्ले इवेंट आपको दिखाई दे रहा है। इसमें एवेंगेलियन का डिस्कवरी कुछ भी नहीं है, इसमें दूसरा तरह का इवेंट है जिसमें ये होगा कि आपको हर एक दिन एक बार कोर सर्कल जो मोड है लिविक या इरेंगेल में खेलना होगा, और उसके बाद आपको एक क्रेट ओपन करने का मौका मिलेगा। और ये क्रेट के अंदर देखिए कितना मस्त मस्त चीज़ आपको देखने को मिल रहा था। अगर आपका लक ओपी रहा तो इसमें से मिथिक आइटम भी मिल सकता है, जो कि कंप्लीटली फ्री है, ज़्यादा मेहनत करने का भी जरूरत नहीं होने वाला, ठीक है। ओके, उसके बाद हम लोग हॉट में क्लिक करेंगे। इधर आप देखो सबसे पहले लॉगिन इवेंट, इस तरह का आपको बीजेएमआई के अंदर भी लॉगिन इवेंट देखने को मिलेगा एनिवर्सरी के टाइम, जिसमें आपको कुछ रैंडमली कुछ आइटम मिलेगा। अच्छा अच्छा आइटम का भी उम्मीद रख सकते हैं, होपफुली, फिंगर क्रॉस, आपको पता है बीजेएमआई को। बट उसके साथ साथ डे 14 में आप देख पा रहे हो एक एल्बम मिलने वाला, जो कि डेफिनेटली हम लोग को भी मिलने वाला है। ये एल्बम क्राफ्टन का है, और इसका म्यूजिक आपको पुराने दिन का याद दिलाएगा, मैं आपको सुनाया भी था। और उसके साथ साथ डे 20 में आपको ये अलग क्रेट मिलने वाला, ये क्रेट मैं ओपन करके भी दिखाऊंगा, बहुत ही अच्छा आइटम है और एक्सक्लूसिव जापान सर्वर के लिए एनिवर्सरी क्रेट बनाया गया। तो होपफुली बीजेएमआई का भी एक एनिवर्सरी क्रेट है, और वो जो एनिवर्सरी क्रेट है होपफुली हम लोग को फ्री में भी कुछ ओपन करने का मौका मिलेगा। यूसी का ही ओपन होगा, बट 3, 4 या 10, 20 हम लोग को फ्री में भी ओपन करने के लिए मिल जाएगा, तो बहुत ही अच्छा बात है। किसी किसी को अच्छा एनिवर्सरी रिवॉर्ड भी मिल सकता है, ठीक है। तो जैसे आप देखो जापान रीजन का भी एनिवर्सरी क्रिएट है, वैसे हम लोग का बीजेएमआई का भी एक एनिवर्सरी क्रिएट है, जिसका मैं लिंक शायद दिखाया था, नहीं दिखाया तो कुछ दिन में आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद वीकली साइन ही नहीं तो छोड़ दो। उसके बाद आप देख पर इसमें एनिवर्सरी का पूरा शेड्यूल दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप देख पर केआर फोर्थ एनिवर्सरी, मुझे नहीं पता केआर वाला अकाउंट में मुझे ये वाला एनिवर्सरी वाला इवेंट दिख ही नहीं रहा था। खैर कोई नहीं, ये जापान वाला अकाउंट है, अगर दोनों रीजन में चल रहा तो और अच्छा बात है। इसमें आप देख पा रहे जो आउटफिट हम लोग को ड्रीम टीम में मिल चुका है, और पबजी का वो वाला लिविक एक्सप्लोरर में, तो वो वाला आउटफिट आप देख पा रहे इसमें इजीली आप ये सबको कलेक्ट करके आउटफिट को निकाल सकते हो, और इसका हेडगियर भी आपको दिखाई दे रहा, और उसके साथ साथ एक फ्रेम भी इसमें मिलने वाला फोर्थ एनिवर्सरी का, तो ये बहुत अच्छा बात है। उसके साथ साथ एक क्रेट आप देख पा रहे, एक क्रेट आपको जगह जगह मिलेगा, तो ये क्रेट के अंदर भी बहुत अच्छा अच्छा रिवॉर्ड आपको दिखाई दे रहा है। इसमें से रैंडमली कुछ मिल सकता है, और इसमें भी आपको कुछ आइटम दिखाई दे रहा। उसके साथ साथ आप देखो C2S6 ओनली रैंक अप इवेंट आपको दिखाई दे रहा, जिसमें रैंक अप करने के लिए बोला जा रहा है, और आपको और क्रेट्स मिलेगा। ये एनिवर्सरी क्रेट लिटरली बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आप देख पर और भी इवेंट आपको दिखाया जाए, यूसी कंजप्शन इवेंट, इधर से इंस्पायर होकर बीजेएमआई में दिया था, बट इधर आप देख पर यूसी से क्या क्या मिल सकता है। 3200 में हम लोग को एक मटेरियल मिल रहा है इधर ये वर्जन में, और बीजेएमआई में हम लोग को कितना मिल रहा था आप लोग कमेंट कर सकते हो। कितना स्पेंडिंग बोला था, शायद 20 या 25 हज़ार बोला था, तभी जाके हम लोग एक मटेरियल मिल रहा था। इधर आप देख पा रहे हो केवल 3200 में अगर हम लोग को मिलता तो मैं, मेरा तो 6000 स्पेंडिंग हो ही गया था, मुझे एक मटेरियल तो ऐसे मिल जाता। तो समझ में आ रहा ना कितना डिफरेंस है दोनों वर्जन में, तो इसीलिए मैं बोल रहा था। देखो 16000 में एक और मटेरियल है, 25000 में एक और, तीन तीन मटेरियल 25000 में, बोलो अब। ओ भाई साहब छोड़ो मैं क्या बोलूँ अब। उसके बाद आप देख पाए स्क्वाड मिशन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स आपको मिलेगा, वापस से एक क्रेट दिखाई दे रहा आपको। उसके बाद आप देख पर एक और इवेंट आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से ये आप कलेक्ट कर सकते हो और उसमें रिडीम कर पाओगे, ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके बाद आप देख पाए ट्रेनिंग क्या क्या है, और न्यू वर्जन अपडेट में हम लोग को 5 क्रेट मिलेगा, तो इसमें चलो हम लोग ये ओपन करने वाले थोड़े देर में। और उसके बाद आप देख पा रहे इसमें एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा डेफिनेटली, तो हम लोग का जो अभी स्पोर्ट वाला सेंटर आया है, तो बहुत ही जल्दी हम लोग का जब स्पोर्ट वाला सेंटर सबके लिए अवेलेबल होगा तो आपको इस तरह का इवेंट आपको दिखाई देगा। बाद में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, जिसमें आपको याद होगा मैं कुछ दिन पहले बीजेएमआई का कॉइन दिखाया था, जिसका यूज़ करके आप ये सब आइटम सबको रिडीम कर सकते हो। जब आएगा तब हम लोग देख लेंगे ऑफिशियली, बट फिलहाल के लिए आप देख पा रहे हो इस तरह का कॉइन मिलेगा पबजी मोबाइल बीजेएमआई के अंदर, इसी चलते स्पोर्ट सेंटर को उसमें भी डाला गया है, ठीक है। बाकी का तो रिवॉर्ड सेम सेम है। चलो अभी हम लोग इसका ओपनिंग करते हैं। तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ गया कि एनिवर्सरी आएगा,
बट मोड्स में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, जो भी होगा वो इवेंट का फॉर्मेट में ही होने वाला। इसमें हम लोग क्लिक करते, ओपन करते, देखते कुछ मिलता भी है कि नहीं। एक ओपन करते, ओके, हम लोग स्क्रैप मिला। ओ भाई, परमानेंट आउटफिट मिल गया, लो, नाइस। ओके, वापस से स्क्रैप, लेट्स गो, वापस स्क्रैप, एक आउटफिट दे दिया और नहीं देगा सर। ओके, चलो एक आउटफिट मिल गया फोकेट में। और अगर आप इसमें खेलते रहोगे ये वर्जन में, तो आपको और भी चांस मिलेगा इसको ओपन करने के लिए, और उसके बाद आप इजीली कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा आपको। चलो, और इसमें कुछ है कूपन ओपन, चलो इसको भी कंबाइन करते हैं, देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। इसको भी कंबाइन करते हैं, ओके, इसमें भी क्या है, इसको भी ओपन करके देख लेते भाई। तो क्या टी शर्ट मिल गया, चलो ठीक है। इसमें हम लोग क्लिक करते हैं, यूसी सेक्शन, तो इसमें क्लिक करेंगे। हम लोग का पास है 16 डॉन कास्यू मेडल, बट उससे पहले हम लोग का कूपन सब है, उसको यूज़ करेंगे। चलिए एक हम लोग इधर से ओपन कर लेते हैं। ओके, इसमें टी शर्ट मिला हम लोग को। उसके बाद ये खोलेंगे, उसके बाद पबजी क्रेट आप देख पा रहे, जिसमें UMP डाला गया, देखिए दो हम लोग के पास है, देखते कुछ मिलता है कि नहीं। ओके, टी शर्ट, ये देखो एक अलग तरह का एनिमेशन है, और इसमें आपको कलर दिख जाएगा, ग्रीन कलर मतलब रेयर वाला, नॉर्मल वाला आइटम मिलेगा। अगर उसमें पर्पल कलर होता तो एपिक मिलता, अगर उसमें पिंक कलर होता लेजेंडरी, रेड दुकान के लिए गए तो मतलब मिथिक। ये आपका बोल सकते हो न्यू स्टेट का कॉन्सेप्ट है। तो चलो अभी हम लोग इसमें ओपन करते हैं डॉन कास्यू मेडल से। देखो इसका न्यू एनिमेशन है, ग्रीन धुआं मतलब नॉर्मल आइटम मिलेगा, ठीक है। चलो अभी हम लोग इसको ही ओपन करते हैं, इसमें भी आइटम ठीक ठाक है, क्लासिक। ओके, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, लेट्स गो। ग्रीन धुआ भाई, तो आपको पहले ही आइडिया हो जाए किस तरह का आइटम मिलने वाला है। इसमें शायद दूसरा मिलेगा, दूसरा। ओके, इसमें भी ग्रीन ही निकला भाई, लक वैसे ही है। और अभी चार देखते क्या खोला जाए, यही खोल लेते भाई, ये नॉर्मल वाला है। इसमें तो समझ नहीं आते, सेम टू सेम। ओके, बाइक का स्किन दे दिया जाते हैं, तो ये रहा बाइक का स्किन, चलो नाइस। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया किस तरह का इवेंट हो सकता है। कुछ न्यू मोड का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है आपको, केवल ये इवेंट देखना होगा और मैं आपको दिखा दे किस तरह का इवेंट हो सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।